हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली आने वाली है ना, होली में पापड़ ना बने ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ आलू के चिप्स। तो चलिए बनाते हैं घर में आलू के चिप्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बड़ी साइज़ के आलू लिए हुए हैं। मैं यहाँ पर आपको तकरीबन 1 किलो आलू के चिप्स बना के दिखा रही हूँ। वैसे मैंने काफ़ी सारे बना के स्टोर कर लिए हैं, बट मुझे वीडियो शूट करना था, इसलिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि बहुत क्वान्टिटी में आलू लेके बैठने से तो वीडियो शूट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको इतने में ही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने आलू को पील कर लिया है पीलर की हेल्प से, एंड इस तरीके से। एंड आलू टू टाइप्स की आती हैं, एक रेड आती है, एक वाइट आती है। तो मैंने यहाँ पे वाइट आलू को दिया हुआ है, एंड ये मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। एंड मैं सारी आलू को इसी तरह छील के पानी में डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने सारी आलू को इस तरीके से छील लिया है। वीडियो मेरी फास्ट मोड पर है, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। एंड ये देखिए, मैं आलू को छील रही हूँ। काफ़ी बड़ी साइज़ की आलू थी, मुझे छीलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये हाथ में नहीं आ रही थी। एंड मैंने सारी आलू को छील कर एक पानी में डाल दिया है। ये देखिए, हमारा आलू को छील के रेडी हो गया। ये देखिए, मैंने बड़े से भगोने को लिया है, इसमें पानी डाल दिया है। आलू को मैंने 2 से 3 घंटे इसी में रहने दिया ताकि हमारे चिप्स अच्छे से वाइट बने। एंड आलू जो थोड़ी बहुत हल्की सी दबाने में गीली गीली सी रहती है तो वो टाइट हो जाती है, एंड चिप्स हमारे अच्छे से बनते हैं परफेक्ट शेप के। एंड ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक लोहे का चिप्स काटने वाला लिया है, बहुत पुराना चिप्स काटने का वाला है, तकरीबन 20 से 30 साल पुराना है ये। मैंने इसको रखा हुआ क्योंकि इससे चिप्स काफ़ी अच्छे बनते हैं, एंड इसकी ब्लेड आज भी इतनी शार्प है। मैं मार्केट से लेके आई थी लेकिन उससे चिप्स अच्छे नहीं बन रहे थे, इससे फटाफट चिप्स बनते चले जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए डिज़ाइन वाला चिप्स है, लेकिन मुझे प्लेन चिप्स ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं डिज़ाइन वाले से कम काटती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, एंड प्लेन वाले जल्दी जल्दी हो जाते हैं। एंड ये देखिए डिज़ाइन वाले चिप्स, और ये काफ़ी लेट में सूखते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लेन चिप्स ही बनाएं, ये काफ़ी जल्दी से कट भी जाते हैं, काफ़ी जल्दी एक दिन में ये सूख के रेडी हो जाते हैं। अगर आपको जल्दी चिप्स बनाना है तो आप प्लेन चिप्स ही काटें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी क्योंकि डिज़ाइन वाले चिप्स को काफ़ी टाइम लगता है सूखने में। ये देखिए, फटाफट मैं आलू के चिप्स काटते जा रही हूँ। आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि किस तरीके से ये चिप्स नीचे पानी में जा रहे हैं, और बड़े साइज़ के अच्छे परफेक्ट साइज़ के बन रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे चिप्स बन के रेडी हो रहे हैं हमारे। एंड अगर आपको क्विक बनाना है तो आप इस तरीके से डायरेक्ट कढ़ाई में चिप्स को काटें प्लेन वाले से, तो वो अच्छे से कटेंगे काफ़ी। ये देखिए, मुझे डिज़ाइन वाले काटने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि इसमें काफ़ी फोर्स लगता है, एंड इसलिए मैंने सारे आलू चिप्स सिंपल ही काटे हुए हैं। ये देखिए, मैं निकाल के अलग रख रही हूँ। मैंने इसे 2 से 3 पानी अच्छे से धुल लिया है ताकि इसका जो एक्सेस स्टार्च हो वो निकल जाए और चिप्स हमारे वाइट ही बने। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ व्रत वगैरह में भी ये चिप्स काम आ जाते हैं, तो इसलिए मैं सेंधा नमक ही डालती हूँ। एंड जैसे ही पानी थोड़ा सा बॉईल हो गया था तो मैंने इसमें चिप्स को डाल दिया है। एंड चिप्स को हमें पूरा बॉईल नहीं करना है, हमें इसी से पाव बॉईल करना है खाली। हम हिंदी में आधा कच्चा ही हमें इसे रखना है और इसे निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने इसे स्ट्रेन किया है, एक प्लास्टिक की टोकरी है, एंड सारे चिप्स को मैंने इस तरीके से पका लिया है। एंड मैं अब धूप में आ गई हूँ, मैंने यहाँ पर एक चादर फैलाई हुई है, एंड इसमें एक एक करके मैं ये अपने चिप्स को डाल दूँगी। ये देखिए, हमारे चिप्स कितने परफेक्ट साइज़ के बन के रेडी हुई हैं, एंड अब मैं इसे एक एक करके फैला लूँगी। ये देखिए, मैं सारे चिप्स को इसी तरीके से फैलाऊँगी। ये आप एक एक करके फैलाएंगे तो ये इनका परफेक्ट शेप आएगा और ये जल्दी से सूख भी जाएंगे। ये देखिए, मैंने सारे चिप्स को अच्छे से फैला लिया है, काफ़ी बड़े बड़े चिप्स बन के मेरे रेडी हो गए हैं, एंड अब मैं इसे सूखने दूँगी। तो ये देखिए, मैं दोपहर में आई हूँ तो ये चिप्स कितने अच्छे से सूख गए हैं। ये इसे सादे वाले तो सूख भी गए हैं, एंड ये मैंने सुबह तकरीबन 10 से 10:30 के बीच में डाला था और मैं 1 से 2 बजे के बीच में आई तो ये सूख गया है। एंड 5 बजे के तकरीबन ये इतना सूख गया है कि ये मैं इसे फ्राई भी कर सकती हूँ। तो चलिए मैं इसे आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अगर आपको बगल में चाय भी दिख रही होगी क्योंकि मेरी माँ को चाय काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने चाय बनाई है, एंड मैं उसके लिए चिप्स फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से वाइट वाइट चिप्स बन के रेडी हुई हैं। आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करिए तो आपके भी एकदम क्रिस्पी और वाइट चिप्स बन के रेडी होंगे। ये देखिए, मैं इस तरीके से फ्राई करके निकाल ले रही हूँ, एंड जिसमें ऑयल काफ़ी सारा लगता है तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के ही तले इसे, एक साथ ढेर सारा ऑयल मत डालें नहीं तो ये काफ़ी ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखिए, चिप्स मैंने तल के फ्राई करके निकाल लिए हैं।
ये देखिए हमारे चिप्स बन के रेडी हो गए हैं, तो आप सभी ये चिप्स बनाकर जरूर ट्राई करिएगा एंड मेक श्योर अपना रिव्यू जरूर शेयर करें एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।